दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश बोलना कैसे सीखिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल रहता है, सर इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश कैसे बोले, कैसे सीखते हैं, शायद बहुत कुछ रटना पड़ता होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। सिर्फ कुछ ही अपने मिनट दे करके, यानी कि जो मैं आपको बताऊंगा मेरी वीडियो देख करके, कुछ ही मिनट में आपके मुँह से खुद ब खुद इंग्लिश निकलने लग जाएगी। दोस्तों ये मेरी गारंटी है, बस वीडियो को पूरा देखना अंत तक बिना स्किप किए। अगर आपने एक भी इसका पॉइंट मिस करा तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपको इंग्लिश बोलने में साल लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। ये चीज कुछ ही मिनटों में आपके पास क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आपने ये तो सुना ही होगा लिसन। लिसन का मतलब क्या होता है? दोस्तों लिसन का मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। बड़े ध्यान से मेरी चीजों को, बातों को सुनना, एक एक बात में बड़ा पॉइंट है सुनना। अच्छा इसके मतलब, इसके बाद क्या होता है इस चीज को? स्पीक करना, दैट मीन्स बोलना। चलिए उसके बाद रिपीट करना। रिपीट आप जानते हो किस चीज को? दोहराना। दोस्तों अब एक बात मुझे बड़े अच्छे से बताओ, क्या ये तीन चीज आप नहीं कर सकते हो? कोई भी कर सकता है सर। आप ये कहोगे सर कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी चीज सुननी है बड़े ध्यान से। मान लीजिए किसी ने कुछ इंग्लिश में बोला, या आप कहीं पर कोई लाइन पढ़ रहे हो, बुक में पढ़ रहे हो, या किसी बोर्ड पर आपने कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ देखा, या आप मूवी देख रहे हो इंग्लिश में, सॉन्ग सुन रहे हो, आप कार्टून देख रहे हो, कुछ भी व्हाटएवर, आपको सबसे पहले उसको बड़े ध्यान से सुनना है। सपोज करो आपने कोई मूवी देख रहे हो, आपने उसमें दो तीन लाइन बड़ी जल्दी से किसी ने बोल दी, आपने उस लाइन में सुना और आपको उस पूरी लाइन का सिर्फ इतना सा पार्ट ही समझ में आया कि क्या बोला, पूरी लाइन भी समझ नहीं आई, सिर्फ तीन चार वर्ड समझ में आए, तो उस तीन चार वर्ड को ही बड़े अच्छे से पहले उसको बोलो उसने क्या बोला। अगर उसकी हिंदी नहीं पता उसको गूगल पे सर्च मारो और फिर उस चीज को रिपीट करो जब आपको कहीं पर बोलना पड़े। कहने का मतलब यह है कि जब किसी ने कोई वर्ड बोला उसको सुना और फिर उसको अपने मन में बोला किसने क्या बोला, ठीक है, फिर उसको आप भी एज इट इज जहां आपको लगे एज इट आप भी उसको बोल दो, किसी को भी चिपका दो। सपोज करो किसी ने बोला गेट लॉस्ट, आपने देखा अरे गेट लॉस्ट बोला उसने, इसका मतलब क्या है? दफा हो जाओ, चले जाओ यहां से। अब जहां आपको मौका मिला आपने उस वर्ड को किसी को इंग्लिश में बोल दिया गेट लॉस्ट, मतलब कॉपी करना सीखो। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना क्या चाहूँ, आपके मन में आ रहा होगा कि सर तो आपको कॉपी करना बता रहे हो। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अब बताने वाला हूँ। जरा सोचो जब आप छोटे बच्चे थे, जब आपको बिल्कुल आप बिल्कुल पैदा हुए थे, बोर्न हुआ था आपका, जन्म हुआ था, क्या आपको हिंदी किसी ने सिखाई थी? क्या आप स्कूल में जाने लगे थे उसके बाद आपने हिंदी सीखी? नहीं, आपका जन्म हुआ उसके बाद में जब आप स्कूल में बैठे थे उससे पहले ही आपको हिंदी बोलना आ चुका था। तो ये कैसे सीखा? हिंदी भी तो एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, फिर हिंदी कैसे आ गई? हिंदी में जब तक तो हमें लिखना भी नहीं आता था, किसी स्कूल की कोई किताब पढ़ना नहीं आती थी, लेकिन बोलना सीख गया। क्यों? कभी गौर किया है आपने इस बात पे? दोस्तों उस समय क्या होता था ना कि जैसा कोई किसी चीज को बोल देता था हम उसी वर्ड को कैच कर लेते थे, ऑब्जर्व करते थे और फिर उसको कॉपी कर देते थे। सपोज करो मम्मा ने बोला कि ऐसे ये गिलास है ना, ये गिलास है और इस गिलास में वाटर है, पानी, ठीक है। आपके सामने मम्मा ने बोला ये पानी है, पानी पानी, ठीक है। बहुत बार आपने देखा अच्छी है इसको पानी बोल रहे हैं, तुरंत ही आपने उसको क्या बोला, क्या कहना शुरू कर दिया? पानी, ठीक है। मम्मा ने बोला कि बेटे मुझे मम्मा बोलो, मम्मा, आपने उसको आपने उनको क्या बोलना शुरू कर दिया? मम्मा, कि मम्मा ही नहीं कहना है। ये कॉपी कर करके ही तो आप सीखे हो, वरना आपको किसने सिखाया? आपको कल ट्यूशन लगाया था, स्कूल गया था आपको? नहीं, स्कूल तो बाद में गए थे, तब तो हिंदी बड़े अच्छे से आप बोलना सीख गए थे। गालियां आप कैसे सीखते हो? गालियों का ट्यूशन लगता है आपका? नहीं लगता ना। आप जाते हो रास्ते में, आपने किसी को सुना अरे एक गाली दी है, आपने उस चीज को बड़े अच्छे से सुना और फिर जहां आपको मौका लगा आपने चिपका दिया, इसका मतलब आप ऐसे ही सीखे ना। तो इंग्लिश भी तो भाषा है, इंग्लिश को नहीं आप ऐसे सीख सकते?
आज के बाद मेरी ये तीन चीजें याद रखना। अगर ये तीन चीज आप बड़े अच्छे से समझ गए तो दोस्तों इंग्लिश सीखने से आपको कोई रोक नहीं सकता बिल्कुल भी, ठीक है। लिसन, सुनना, स्पीक उसको अपने मन में बोलना, फिर दूसरे को रिपीट कर देना जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़े, क्लियर है। और दोस्तों सबसे अहम पार्ट वर्ड मीनिंग, ठीक है दोस्तों। वर्ड मीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन में पूरी डिक्शनरी पलट दो, नहीं, लेकिन कम से कम डेली 5-7 वर्ड जरूर आप याद रखते रहना, ठीक है। कहीं से भी आपको कोई भी बुक हो, डजंट मैटर, कोई बताता ये वाली डिक्शनरी कर लो, जो भी आपके पास है उसी से काम चला लो। नहीं है कुछ भी तब तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, फोन तो है, गूगल पे जाओ, बहुत सारे वोकैबुलरी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग डेली 5-7 वर्ड्स आपको अपने पास में रखने हैं डेली, बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। जैसे इस तरीके से समझो, जैसे आप डेली नाश्ता करते हो, डेली खाना खाते हो ना जीने के लिए, तो इनको अपने जीने का आधार ही मान लो कि ये वर्ड मीनिंग डेली 5-7 मुझे खाने हैं बस। इस तरीके से आप सोचोगे ना, और जो तरीका मैंने आपको बताया लिसन स्पीक रिपीट, बस इतना कर लो, आपको दोस्तों कहीं से कुछ सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप घर बैठे अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकते हो और यहाँ तक कि बहुत अच्छी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो एक बार ये तरीका करेंगे और फिर मुझे जरूर बताएंगे कि किस किस को इससे फायदा हुआ है। दोस्तों डेफिनेटली मुझे तो इससे फायदा हुआ है, काफी सारे लोगों को भी इससे फायदा हुआ है, ठीक है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों की वीडियो कैसी रही। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।